कर तो भी बहुत है। तो फिर उस दिन दिखानी चाहिए थी ना, जब मैं तेरे ऑफिस में घुसकर तेरी बजा रहा था। अच्छा, अकड़ तो अब भी है बेटे, चाहे तो आजमा ले। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुझे चौथे माले से नीचे फेंक दिया था। कूदा था मैं उस चौथे मंजिल की खिड़की से अपने पार्टनर की जान बचाने के लिए कूदा था, क्योंकि हम वो हैं जो झगड़ा सुलझाने के लिए लोगों पर बॉम्ब नहीं फेंकते। कमाल है, क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं जो खुद को बचाने के लिए औरतों को बीच में नहीं लाते। मतलब तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने टिक पाएगा? जिस दिन मैं यहां से निकलूंगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। अब कान खोलकर सुन, तू और मैं बिल्कुल आमने सामने और बीच में कोई नहीं आएगा। मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि जब भी तू सुबह को बैठेगा तू मुझे ही याद करेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे याद करेगा। तू तो दुआ ही कर कि वो दिन कभी ना आए। मैंने कहा ना मिस्टर नोबडी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने तरीके से निकलूंगा, सही तरीके से। दरवाजा कैसे खुल गया? पीछे हट जाओ। कुछ नहीं हुआ, कोई तकनीकी खराबी है। पीछे हट। अरे तकनीकी खराबी है। तेरा इंतजार खत्म। रबर बुलेट्स, पागल हो गए क्या? देर से ही सही, पर आखिर रात हो गए। दो सवाल पूछो। मेरी बेटी, तुम्हारी बहन के पास टोरेटो? कमाल है, ये बढ़िया सवाल। ये है मेरा नया ठिकाना, गुमनाम अड्डा। गुमनाम कम, गुंडों का ज्यादा लगता है। देखो बाद में मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। एक आए, शुक्रिया। अरे अरे अरे, ये क्या हाथ में हथकड़िया, ये क्या मजाक है? हम लोग को दुल्हन बना के लेके आला है। आप ही ने गिरफ्तार करने को कहा था। पर हथकड़िया, छोड़ दो इन्हें, कितने शर्म की बात है। सॉरी गाइस, ये भी नया है। तो पुराने दोस्तों से ऐसे पेश आते हो? दोस्त, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बंदा है कौन। मैं कौन हूँ इसकी फिक्र मत करो तेज, मैं तो नोबडी। नोबडी, तो फिर वो कौन है? वो एमआई है यार, हमसे कम ही है। एक नोबडी है और एक एमआई है, ये दोनों मिलके अपन को मामू बना रहा है। एक बजा रहा है तो दूसरा मलम लगा रहा है, अपन तो जा रहा है। सोच समझ के कदम उठाना। क्या बे? देखो, तुम लोगों ने बर्लिन में जो झंडे गाड़े थे ना, उससे तुम इंटरपोल के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गए हो। टॉप 10 में? तब तो सही है। पर तुम उसमें नहीं हो रोमन। मैं नहीं बोले तो? एक नंबर से मार खा गए, 11 नंबर पर हो, इसलिए। मैं 11 नंबर पे? बिल्कुल, अपन तो एक नंबर के लायक है। वैसे ये सब लोग कितने नंबर पे? 6।
आठ नौ दस। ये दस नंबर पे, ये चिड़िया का घोंसला, ये अपुन के जैसे छपरी नहीं। तू छपरी है और ये दस नंबर ही है कि नहीं जाने मन। छोड़ो ये सब और किसी ऐसे शातिर पे ध्यान दो जो किसी की लिस्ट में नहीं है। अभी पक्का पता नहीं है पर मुझे लगता है कि वो एक साइबर टेररिस्ट है जिसका नाम है साइफर। एक मिनट, साइफर एक संगठन है, कोई इंसान नहीं। हमारे सूत्रों के हिसाब से नहीं। वो चाहती क्या है कोई नहीं जानता। साइफर ऊपर वाले का बनाया एक डिजिटल करिश्मा है। वो छुपकर पूरे वर्ल्ड सिस्टम पर काबू कर सकती है, गवर्नमेंट्स, ग्लोबल मार्केट्स, जो कुछ भी हैक हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम उसका नाम इनमें से किसी से नहीं जोड़ सकते। वो हर कुछ सेकंड्स के बाद अपनी डिजिटल आइडेंटिटी मिटा देती है। यानी वो सिर्फ एक हवा है। हाँ हवा है, लेकिन आप उनके जैसा कौवा तो कभी भी चोच मारने के लिए रेडी रहता है। वैसे कौवे और हंसनी के बच्चे का जो है दिमाग घर पे छोड़ दिया क्या? नहीं, चार्जिंग पे छोड़ बस क्या? ये समझ लो कि लोग इस हैकर ग्रुप अनोनिमस से डरते हैं, पर वो भी साइफर से पंगा लेने में डरेंगे। पर कोई बताएगा कि इस सब से हमारा क्या ताल्लुक है? शायद कुछ नहीं लेटी, पर पता नहीं क्यों मुझे ये काफी दिलचस्प लगता है कि कोई वजह तो है कि वो अब इस बंदे के साथ काम कर रही है।